देखिए ये पाटलेश्वर महादेव का धाम, ये टोंश नदी का किनारा आप देख सकते हैं, प्रकृति की सुरम्य धारा पर ये सुंदर नदी का झरझर करता पानी का वेग, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुँचते हैं। अभी हमने आपको मेले का नज़ारा दिखाया, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, सुबह से लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, भगवान शिव भोलेनाथ की धारा आप देख सकते हैं कि नदी दो पार्ट में है, यहाँ पर नदी की दो धाराएं हैं, आप देख सकते हैं बीच में आपको एक टापू जैसा दिखाई पड़े। ये पाटलेश्वर धाम देवरा कौंधियारा से 10 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर लोग कुशी तेरस के मेले के आयोजन के अवसर पर इस नदी के किनारे आते हैं और स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और एक तरह से पर्यटन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी प्वाइंट है। आप देखिए यहाँ पे नदी कुछ दूरी पर पिपरहटा गांव के सामने दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, आप देख सकते हैं बीच में टापू है, फिर आगे नदी जाके जो है एक ही धारा में मिल जाती है, और यह नदी सिरसा में जाके माँ गंगा की गोद में समाहित हो जाती है। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत स्वच्छ नदी आप देख सकते हैं, ये एकदम प्राकृतिक स्थल है। अगर आप कभी भी प्रयागराज के हैं, प्रयागराज के आसपास के हैं, अगर आपको देखना है कि पटपर पे हम चलें और प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करें, तो एक सस्ता और आपको एक अच्छा नज़ारा प्रकृति का दिखा सकता है, आपका मनोरंजन कर सकता है, और यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर सरकार प्रयास करे तो इस टापू को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करते हुए इसको एक पर्यटन का रूप दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जनप्रतिनिधियों और लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। ये हमारे खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह से लोग आते हैं बड़ी संख्या में, और ये नदी की धार देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर देखिए सेल्फी लेते हुए, तो इसका अपना नज़ारा और लुक है। और ये देखिए नदी कितना बढ़िया कलरव कलरव करती हुई नदी बह रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग आते हैं और प्राकृतिक नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं, देख सकते हैं बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर युवाओं की बड़ी संख्या है, महिलाएं आती हैं, अगल बगल से ग्रामीण आते हैं, और आज तो कम से कम हमारा अंदाजा है कि 20 से 25,000 लोग इस स्थल पर इस मेले में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये नदी का खूबसूरत नज़ारा, तो अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो प्रयागराज, और प्रयागराज से ये देखिए नौ युवक प्रयागराज से कौंधियारा, कौंधियारा से आप हाईवे से जारी, जारी से कौंधियारा, और कौंधियारा से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाटलेश्वर धाम भगवान भोलेनाथ विराजमान है। ये जो पानी की धार आप देख रहे हैं, यहीं पर भगवान शिव का एक शिवलिंग भी विराजमान है, चूंकि गर्मियों के दिन में वो दिखाई पड़ता है, और इस समय चूंकि पानी की मात्रा अधिक है यानी जल ज्यादा है इसमें, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से हमने आपको दिखाया, भी लोगों से बात भी कराएंगे। तो K9 न्यूज प्रयाग से मैं कृष्णानंद, नमस्कार साथियों। ये टोंस नदी का पवित्र जल और ये नाव की सवारी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पाटलेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए आए थे, हमारे बीच क्षेत्रीय पत्रकार गुड्डू द्विवेदी जी, और हम आज इस टोंस नदी की उफनती धाराओं के बीच, वैसे देखा जाए तो बड़ा रिस्क काम है, लेकिन मैं जो वीडियो मेरे साथी देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों में यह जिज्ञासा थी कि एक ये जो नदी है यहाँ पर दो धाराओं में विभाजित होती है, तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी, देखिए मेले में लोग आ रहे हैं, तो जो भी ये हमारे नाव के खेवैया हैं, क्या नाम है अंकल जी आपका? मुंशीलाल। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हमारे तो नहीं, अरे अगर हम जानना चाहें तो किस बिरादरी से हैं गांव की भाषा में? निषाद राज, जय हो आपकी। फिर तो निषाद राज, योगी सरकार चल रही है तो निषादों के मन में क्या है 2022 को लेकर? अरे भाई जल्दी जी आवत खबत है, समय कहा वो थी जनता ही है। तो क्या नैया के खेवैया बनेंगे योगी जी की, राम की अयोध्या सजा रहे हैं? करता ही है, अब क्या करता है। अच्छा अभी तो देखिए आपकी, हमारी और हमारे पत्रकार साथी की भी खेवैया आप ही के हाथ में है, तो मैं माँ गंगा को सिमरन करूंगा। यही नदी आप देख सकते हैं कि जो है यही नदी सिरसा के पास माँ गंगा में विलीन हो, और जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहूंगा कि आप लोग प्रयागराज और प्रयागराज से जारी, या फिर करछना, करछना से कौंधियारा, कौंधियारा से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सुरम्य धारा, कभी भी आपको अगर घूमने का मन हो, पर्यटन करने का मन हो, ये देखिए हमारे साथी पत्रकार गुड्डू द्विवेदी जी,
तो अब हम चाहेंगे कैमरा, चूंकि हम दो ही लोग हैं, अमूमन ऐसे रिस्क में किसी को हम लोग बैठा नहीं सकते, तो हम आपको कैमरा फ्रंट साइड करके कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये नदी बीच में दो धाराओं में विभाजित है, काफी ज्यादा आप देख सकते हैं जगह यहाँ छूटी है। अगर यहाँ पे दुकानें लगे हर समय, एक सरकार थोड़ा सा अगर यहाँ पे व्यवस्था करे तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चचा, अगर यहाँ पर लोग इलाहाबाद से, लोग प्रयागराज से लोग दर्शन करने के लिए भी आए और नाव में भी घूमे, ये देखिए टापू आप देख सकते हैं, ये आप लोग मरीना बीच वगैरह जाते हैं, लेकिन गांव का नजारा अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत आज आप कह सकते हो। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पर सरकार कुछ ध्यान दे तो लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? भाई यहाँ दुकानें लगेंगी, आप लोग नाव खेंगे, जैसे हम लोगों को लाएंगे, कुछ मिलेगा ना पारिश्रमिक, तो होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। तो देखिए ये हमारे दो स्थानीय बीच में बांस लगाए, किस बांस से लगाए? हाँ, ये क्यों लगाया गया, क्या जाल लगाया गया मछली पकड़ने के लिए? आप ही लोग लगाते हैं, स्थानीय लोग जो है? तो देखिए ये टापू, देखिए हम लोग नदी से जो है यहाँ तक आए हैं और ये टापू देख सकते हैं, काफी जगह है, ऊपर समतल है और अमूमन बरसात के मौसम में ये पूरा जलमग्न रहता है, लेकिन बाकी महीनों में 8 महीने आप देख सकते हैं, 9 महीने ये इसी तरह से रेतीला टापू रहता है, जो कि अगर इस पार से उस पार लोगों को घुमाने के लिए अगर सरकार व्यवस्था करे तो लोग आए। देखो वो पार यही चीज है, तो देखिए यही चीज कह रहे हैं कि वो इसी तरह का प्राकृतिक नजारा आपको दिखाई दे सकता है। तो जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं प्रयागराज के, मैं कहूंगा कि अगर आपको घूमना है तो सस्ती और सबसे सुरम्य प्राकृतिक धारा का अवलोकन आप करना चाहते हैं तो ज्यादा दूर आपको नहीं जाना, प्रयागराज से आप सीधे जारी के लिए आइए, जारी से कौंध्यारा और कौंध्यारा से ये पट पर महादेव, यहाँ पर पटलेश्वर महादेव का धाम है, भगवान शंकर जी विराजमान हैं, बड़ी अटूट कृपा है इस क्षेत्र पर। और तो आप देख सकते हैं, देखिए नाव है, स्थानीय निषाद राज लोग मौजूद हैं, तो गांव से भी काफी लोग चलकर आए थे आज मेला देखने के लिए, नाव से अभी हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की। अब हम बीच मझधार में पहुंच चुके हैं, ये टापू का आखिरी छोर है जहां से दोनों नदी की धाराएं आकर पुनः आपस में मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीच में काफी जगह खाली है, अगर यहाँ पर दुकानें हो, पर्यटन के रूप में सरकार इसको विकसित करे तो ये स्थल काफी संभावनाओं से भरा है और लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। आज हमारा एक प्रयास यही है, हम दोनों पत्रकार साथियों का, कि इस जगह का अवलोकन प्रयागराज राजवासी करे और ऐसी जगहों को आगे बढ़ाने में प्रयाग के लोग भी आवाज उठाएं और सरकार भी ध्यान दे, क्योंकि इससे कई लोगों की रोजी रोजगार और लोगों को पर्यटन का एक अच्छा स्पॉट मिल सकता है, जहां पे भगवान का तो दर्शन करेंगे ही लेकिन प्रकृति का भी। और अभी देखिए हम दूसरे साइड टापू के दूसरे साइड पहुंच चुके हैं, अभी हम एक साइड में थे, अब ये देखिए दूसरे साइड हमारे जो नाविक भैया हैं, देखिए हम लोगों को काफी अच्छा इनके द्वारा, आप कितने मतलब बचपन से नाव खेते हैं, तो ये आपका मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो मछली और ये नदी का खेई से इसी पे रोजी रोटी काम होता नहीं होता इस नदी में? अच्छा, हमारे पत्रकार, बालू निकासी का भी होता है क्या? बालू निकाली हाँ, ये कुल रहता ही है। अच्छा, बालू निकलता है यहाँ पे? आगे का मेजा है कि किसने? नहीं, मेजा है, मेजा। अच्छा, उस पार हम मेजा, उस पार देखिए ये 12 विधानसभा, उधर करछना विधानसभा और मेजा, ये आप कह सकते हैं ट्राइंगल बनता है तीनों विधानसभाओं का, तीनों का आप सब समझ सकते हैं, ट्राइंगल बनता है, तिकोना है जिस जगह पर हम हैं, तो आप समझ सकते हैं अपने आप में अद्वितीय जगह। ये देखिए टापू, विशाल टापू है, काफी जगह फैला हुआ है, तो अगर सरकार से मैं यही कहूंगा कि इसके लिए प्रयास करें और इस स्थल को विकसित करने का काम हो। ये तीन भाव हुई हैं, ये देखिए तीन धाराएं बनी हैं, इधर से तीन धाराएं नदी में, और ये देखिए बीच में आप हमारा, चूंकि उधर से सूर्य की लाइट पड़ रही है, काफी जगह है, समतली मैदान दिख रहा है उधर, तो अपने आप में अद्वितीय। हाँ, क्या है, क्या बताइए? कौन सी ये जो जगह है, कैसे यहाँ पे नदी तीन धाराओं में हमें दिखाई दे? मतलब कि एक नदी एक ही है। अच्छा, धारा तीन, धाराएं तीन है, धाराएं तीन है, तो देखिए स्थानीय नाविक हैं बता रहे हैं कि तीन धाराओं में विभाजित है, जानवर चल रहा है इसमें, जानवर से आ जाते हैं बीच में, ये जानवर कैसे तैर के आए हैं? ऐसा है, खुदाई दे है मार गोरु माल। कितने जानवर होंगे अंदर? अच्छा, अंदर ढेर नहीं है, 15-20 है। अच्छा, चलो चलते हैं। तो देखिए नमस्कार साथियों, अब हम थोड़ा सा फ्रंट साइड में, चूंकि हम दो ही लोग रिस्क लेने की हिम्मत जुटा पाए, क्योंकि अच्छा है और यहाँ पे बड़ी नाव भी चलती है, लेकिन आज हम लोग एक छोटी नाव लिए हैं, स्थानीय नाविक थे। तो साथियों आज हम प्रयागराज हैं, प्रयागराज यूं ही नहीं है खास, बहुत कुछ है इसके पास। अगर हम प्रयागराज और यूपी की बात करें, चूंकि हमारी जो मुख्य भूमिका थी राजनीति को लेकर थी,
और राजनीति में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक दुनिया है। इसको आप यूं कह सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें और सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये प्रदेश विश्व में, आप इससे पहले अगर आप देख सकते हैं तो चीन और भारत की कुल आबादी अमेरिका को, इंडोनेशिया की, और लग उसके बाद पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश की आती है। और उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर चुनाव है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मी है। हमारे बीच हमारे साथी पत्रकार हैं, तो देखिए मूल इनका गोवंश का जो रक्षण है उस पर ये रिपोर्टिंग करते हैं और इस पर ये काफी मुखर हैं, और गायों के लिए जो है काम जो सरकार करा रही है उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। काफी सक्रियता से इस मामले में इन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो देखिए जी जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि टापुओं के बीच में गायें लाकर शायद छोड़ी गई, क्या नाव से छोड़ी गई क्या? अब क्या मालूम, इतने हमने बताया कैसे छोड़े, कितने दिन हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग उधर से आया, दूर घर, हमारा लोग दूर घर है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ तक देखा था क्या खा था तब का। अच्छा मतलब घास वास है अंदर जो है, मतलब खाने पीने का है, वही रहने का ठंड से दिक्कत है उनको। तो देखिए साथियों, हम लोग इसी टोंस नदी की धारा में हैं और देखने चल रहे हैं कि कैसे यहाँ पे मवेशी ठीक हैं या उनको कोई दिक्कत है ठंड से। तो इसी का हम लोग निरीक्षण करते हुए अपने पत्रकार साथी के साथ इस समय आप देख सकते हैं टापू के दूसरे छोर पर पहुंचे हैं, दक्षिणी छोर पर।